अगर ये दो क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, उसका जवाब मुझे सिर्फ 2-5 सेकेंड में देना है, तो मुझे एक इक्वेशन पता होना चाहिए, वो है n इंटू एन प्लस 1/2। ये इक्वेशन कब यूज़ करूँगी मैं तब यूज़ करूँगी जब मेरे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दिए हैं और मुझे उसका सम करना है। यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 10। तो आई हैव 10 नेचुरल नंबर्स और इस इक्वेशन में मैं 10 रख दूँगी, 10 इंटू 11 बाय 2, तो मुझे मिल जाएगा 55। तो 1 से 10 का जो समेशन है, एक से 10 को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे 55 मिलेगा। ये तो छोटा नंबर था, पर अगर 1 to 50 को ऐड करना हो फिर भी आपको n इंटू एन प्लस 1/2 को फॉलो करना है। यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 50, मतलब 50 into 51/2, दैट मीन्स 50 into 25। अगर मैं इसको फटाफट करना चाहूँ तो मैं दिमाग में सोच सकती हूँ 51 into 100/4, 51 को 4 से काटा, 1 4 ज़ा 4, 1 1 4 2 ज़ा 8, 30.75 into 100, तो मेरा हो जाएगा 1275 आंसर। मेरे हिसाब से ये बात भी एकदम क्लियर है कि कब हम n इंटू एन प्लस 1/2 यूज़ करेंगे। फिर भी मैं एक बार लिख के बता देती हूँ कि जब मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करना है तब मैं ये n इंटू एन प्लस 1/2 यूज़ करूँगी। फर्स्ट n प्राकृतिक संख्या का एडिशन मुझे n इंटू एन प्लस 1/2 से मिलेगा। थैंक यू। Doom, 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 doom